परम पूज्य महान क्रांतिकारी युग पुरुष दुखियां दे दर्दी बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दे चरणां दे विच संशोभित डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन कमेटी दे सत्कारयोग प्रधान श्री देवलाल जी, वाइस प्रधान तरसेम कौल जी, जनरल सैकटरी कमला चौंबर जी, गौतम रत्तू जी, सोहनला रत्तू जी, ते भारत तो मेरे नाल अज दे इस प्रोग्राम दे विच विशेष मेहमान दे तौर दे उत्ते पहुंचे मानयोग श्रेष्ठ माने जी, बहुत ही सत्कारयोग पंथगण सवान दोस्त सारयानू बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब के 124वें इस प्रकाश दिहाड़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे मैं पंजाब नहीं पूरे भारत के प्रोग्राम अक्सर करता रहा और जिहदा जरिया जिहड़ा यूट्यूब के थ्रू अपना जिहड़ा संपर्क होया और मैं थोड़ा सारयां दा तहे दिल तो धन्नवाद करदा कि इंग्लैंड की धरती के उत्ते ये जिहड़ा मेरा सुपना बहुत लंबे समय का सी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी दे विच एक जिहड़ा शेर जिहड़ा मैं हर मंच के उत्ते बोलदा डॉक्टर इकबाल का शेर सी जिन्हें लिखा कि सारे जहां से अच्छा जे हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी जे गुलस्तान हमारा। और मैं किताब च पढ़िया सी कि जदों इंग्लैंड की धरती के उत्ते गए सी तो इंग्लैंड डॉक्टर इकबाल जी ने पूछा सी कि इंग्लैंड की धरती के उत्ते बैठ के हिंदुस्तान किहो जिहा नजर आउंदा, तो डॉक्टर इकबाल ने एक गल कही सी, हजारों वर्ष गुजरी है जहाँ रंजो गम सहते हुए, अब नफरत सी आती है मुझे उसे अपना वतन कहते हुए। तो मैं सोचा कि मैं भी इंग्लैंड की धरती के उत्ते जाके बैठ के उस भारत की तस्वीर के बारे मैं भी कभी अगर सोचने का मौका मिले तो मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा, क्योंकि मैं उन्होंने हजारा करोड़ा लखा जड़े आ दलित लोगों के लिए एक आवाज़ बन के मैं पूरे देश के विच काम कर रहा। तो मैं चाहता सी कि यह जिहड़ा मनुखां दे विच अंतर है, ये अंतर अक्सर है क्यों, ये अंतर जिहड़ा वह भारत के लोग और दूजे दुनिया के लोग ये जिहड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस जिहड़ा है क्यों, उस अंतर को जानन दे लई मेरा जिहड़ा ये इंग्लैंड का जिहड़ा दौरा आ। इस तो बाद एक्चुअल तो जो साडा काम है मानयोग माने साहब जनरल सैकटरी बहुजन समाज पार्टी भारत, तो साडा काम तो मेनली तो जिहड़ा उधर भारत दे विच ही है, लेकिन फिर भी व्यवस्था को जानना जिहड़ा वो बहुत जरूरी है। सो आओ जिहड़ा लैक्चर का दौर आ वो तो सारा मंच की तरफ तो होंदा रहूगा और मैनू जिहड़ा इत्थे बुलाया गया वो ओनली एंटरटेनमेंट लई बुलाया गया, भी मैनू भाषण करने लई नहीं बुलाया गया। और लेकिन मेरी थोड़ी एक आदत है, आदत तो मैं कई बारी थोड़ा मजबूर हो जाती गल, लेकिन मैं अज उस आदत के उत्ते कंट्रोल करके मैं ओनली एंटरटेनमेंट के लिए वही गीत जिहड़े आ पेश करूँगा। कुछ इंटरनेट के उत्ते गीत भी सुने हैं तो कुछ गीत जिहड़े नवे आ नवे गीतों के नाल मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। और एंटरटेनमेंट के विच भी जिहड़ी है वो साडे समाज की गल होगी, साडे महापुरशां की गल होगी, वो दूसरा एंटरटेन ही जिदा का सभ्याचार जिहड़ा वो भारत के जां पूरे दुनिया के टैलीविजन के विच देखने को मिलता है, वो तो एक अलग गल होगी, मानवता के भले की गल जिहड़ी गल होगी, जिहड़े साडे गुरुआं पीरां ने असली सभ्याचार जिहड़ा जिहड़ा साडे सामने रखे उस असली सभ्याचार की मैं गल करूँगा। सो अज का यह जिहड़ा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का आगाज करन की आग्या दी जाए तो मैं एक सब तो पहला बाबा साहब के जन्मदिन के दिहाड़े में एक गीत करूँगा, उस तो पहला रवाई दे लेना। बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। ਭਾਈ ਜਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਲਕਾਈ ਜਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਵੀ ਗਾਥਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਟਸ ਗਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਿਆ ਵਤਨ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਾ ਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਤਨ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਾ ਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤ ਪਸਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮਿਲੇ ਭੀਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਨੇ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਵੋ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਭੀਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੀਤ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
भरावो टैक्स ही टैक्स है, एको ही काम रह गया जिंदा टैक्स नाड़िया है वो बाबा रामदेव बजाई लगा फ्री जिते भाई साड़ियाँ बजाई लो खान पीने थोड़े पले कख नहीं रोटी खाने थोड़े को है नहीं सुखिया ताड़िया भी लेकर वो ताड़िया बाबा रामदेव बजाने तुम्हें भी ताड़िया बजा दो राष्ट्रपति बन गए उन्होंने सीएम बन गए उन्होंने डीएम बन गए ते ए महान अगर इस महान रैवर की एक कलना इग्नोर कर दिता ते ओ दिन दूर नहीं पार दिता ते जदो दीवे दी क्या बड़बड़िया बैटरियां टॉर्चा ला के मार के दबियो के तुसी जदो जाया करना तुसी पुछया करना भाई इत्थे एक बंदा जिहड़ा जज लग्गिया हुंदा सी एक बंदा कलर्क लग्गिया हुंदा सी ओह पिंड च किदां ते कलर्क और डॉक्टर जमणे इन्हां सरकारां ने बंद कर देने मैं उदां दा गीत भी तुहाडे सामणे सी बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर दे जोधे ने असी सारे नहीं मर गए
तैनू भुलेखा होगा कि सारे लोग जिहड़े खत्म हो गए है आए जिंदा है दुनिया दे उत्तों उस दिन जावांगे इन्नी सौखी नहीं इन्नी छेती नहीं मरन वाली उदन जावांगे जदों इस दुनिया दे विच देश दे विच जिहड़ी आ कोई तब्दीली करके कोई मार्का बना के जावांगे तो एक गीत होर जिहड़ा है साडे बहुत ही सत्कारयोग मेरे बड़े वीर सोहन लाल रत्तू साहब ते जिन्हां दी बदौलत मैं समझदा कि कम्युनिकेशन दे थ्रू यह साडा तुहाडा संपर्क बनिया एक उन्हां दा बड़ा प्यारा गीत है लंघ गया वो कंडियां दी वाड़ नहीं सहेलियो बड़े चिरां बाद उहना भीम ने बलैत विचों मैनूं गोडे गोडे चढ़िया चा नहीं सहेलियो लंघ गया वो कंडियां दी वाड़ नहीं सहेलियो वैसे मेरे को तुहाडा प्रोग्राम थोड़ा है मैनूं पुछ रहे सी प्रधान जी कि तुसीं किन्ना प्रोग्राम दे सकदे आ मैं क्या भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उत्ते मैं गाउण दा दुनिया दे विच रिकॉर्ड पैदा कर सकता है तो तुसीं तुहाडी सुनन दी चाहीदी है सानूं कि असीं तां मैं ते माने साहब तां असीं तां बोलण दे लई आए असीं तां बोल सकदे जिन्ना समां मर्जी बुला लिओ तो मैनूं इह नहीं लगदा मैं भी हुण गन्नियां दे खेत दे विच बड़ गया वी गीत पहलां किहड़ा गावां जां बाद च किहड़ा गावां तो मेरी भी थोड़ी दे चलो एक थोड़ा पंजाबी तो नस्टाइल जाए गीत शुरू करते हैं बुद्ध की शरण की देगी हो तो थोड़ा सुने किड़ा गीत थोड़ी फरमाइश देते बोल देना नवा गीत गावा कि जरा बुद्ध की शरण की देगी हो गावा किड़ा गावा देख लो लंघ गया वो कंडिया की बाढ़ ये ठीक है चलो मैनू तो मेरे लिए तो जड़े गीत होंगे ना ये जड़े है ये अपने पुत्तां वर्गे होंगे है शहरां दे लई ते मेरे लिए तो सारे जिहड़े गीत है वह जिहड़े आ वधिया तो वधिया बुद्ध की शरण की दे गए भी गीत बहुत वधिया वह भी मैं सुनाना जरूर है वह भी थानू ना बुद्ध की शरण की दे गए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जदों इंग्लैंड की धरती तो जाते हैं तो जदों मनुख जाता है भारत के जदों जाता है तो ये तुहानू नहीं महसूस होंदा असी भारत वाले लोगों सानू पता भी किन्ना चाह होंदा जदों कोई बंदा जिहड़ा लंबे समय तो बाद एक मिलाप का एक विछोड़े तो बाद मिलाप का जिहड़ा आनंद होंदा वह एक वखरा ही होंदा है तो एक गीत सिंगर रत्तू साहब नूं मैं कहा सी कि माता रामाबाई दे उत्ते अज तक किसी सिंगर ने ना लिखिया ते ना गाया ते क्यों ना होवे कोई इदां दी रचना और रत्तू साहब ने यह मैं लुधियाने दे विच रचना बोल रहा सी एक दिन जदों मैं बोल के लुधियाने से प्रोग्राम करके गया तो मैं दूजे दिन एक बंदे का फोन आया कि जिहड़ा कल तुसीं माता रामाबाई दे उत्ते गीत बोल के गए हैं वह मेरे दिल में बहुत ज़्यादा छू गया तो मैं क्या भी इदा दी तैनू कि छूण वाली गल लिखी है लिखी है तो यदा जो आखिरी बंद है वह मैं गीत में दसूँगा तो ये जड़े आ खुशी भी आ तो ये दर्द भी आ दोनों चीज़ों का समेल लत्तू साहब ने बहुत वधिया तरीके ने किया लंघ गया वो कंडियां दी वाड़ नहीं सहेलियो लंघ गया वो कंडियां दी वाड़ पंजाबी टच का गीत एक मैं तुहानू होर भी सुनाउणा क्योंकि साड़ी एक कमी रही है कि असीं अपने कल्चर नूं जिहड़ा आ उह संगीत दे विच उस तरीके दे नाल नहीं परोस सके जिस तरीके दे नाल परोसना चाहीदा सी भैणां लई मैं एक गीत गाऊंगा कैलगरी दे विच मैं प्रोग्राम करन लग्गिया मैं आदत तों थोड़ा मजबूर हाँ इस गल नूं थोड़ा जिहा प्लीज़ बर्दाश्त कर लिओ कैलगरी 'च जब मैं गुरुद्वारे 'च प्रोग्राम तां ला लिया जदों बाहर प्रोग्राम लाउण लग्गिया तो मैंने साढ़े चुंबर साहब कहते भाई जाद जी जिहड़ा इत्थे तंगियां तरुशियां की कोई एड्डी गल नहीं इत्थे तुसीं दूसरे तरह का प्रोग्राम करो मैं किदां दा कहिंदे भी जिहड़ा बाहर प्रोग्राम होना बीबियां कहिंदियां भी इत्थे डीजे वाला प्रोग्राम चाहिए तो मैं सोचा मैं क्या ढोलकी इको तो बंदा साडा रिदम वाला ढोलकी बजाने वाला बाजा मैं आप खुद बजावा जी तो भी हुण एक ढोलक दे नाल ते डीजे का किदां प्रोग्राम मैं करा फिर मैं सोचा कि बीबियां की तर्ज कोई इदां दी रखदा जिहड़ी बीबियां नूं पसंद आ जाए तो वह मैं गीत गाया सी नहीं मैं चादर कट दी चादर दे पावां मोर नहीं मैं बाल सकावां बालां दे विच फस गई मेरी कंघी तो जो मैं वो गीत गाया सी बीबियां सोचियां भी डीजे वाला प्रोग्राम शुरू होने लगा पर जिहड़े मिशनरी लोग होंदे सियाणे लोग होंदे आ ते वो कुछ ना कुछ परोस के दे देंदे आ सारे दे विच वह भी गीत मैं तुहाडे रूबरू करूंगा उस तो पहला लंघ गया वो कंडियां दी वाड़ जाते पैर भी हो बड़े चिरां बाद आना भीम ने बलैत विचों जो बाबा साहब डिग्री पूरी करते जाते बड़े चिरां बाद आना भीम ने बलैत विचों मैनू गोडे गोडे चढ़िया चा नहीं सहेलियो
यार ऐ तुहानू किदां पता लग गया वी ऐ कुछ असी पंजाब च इदां करदे आ। वैसे मेरी स्टेज इदां दी हुंदी है, मैनू नहीं समझ लगती बई इहदा मतलब मैनू तुसीं पास करके भेजना, मैनू दूजी वारी फिर आउणा पैणा जल्दी। हो बड़े चिरां बाद आउणा भीम ने बलैत विच्चों, हो मैनू गोडे गोडे चढ़ी आए चाह नहीं सहेलियो, हाय चाह नहीं सहेलियो। अब लंघी अब कंडियां दी वार, हाय लंघी अब कंडियां दी वार, सहेलियो चल रहा हूं
मित्रा जी, कई बार अचानक कई बार कोई ऐदा की चीज़ होंगी है ना, तो चलते चलते बहुत अच्छा प्रोग्राम दे चलते चलते टीवी के बीच आ जाता रुकावट के लिए खेद है, तो रुकावट के लिए खेद है। थैंक यू वेरी मच।